हेलो एवरीवन, आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा स्पेशल होने वाला है। आज के वीडियो में बात करेंगे बी फार्मा कोर्स के बारे में, इसका फुल इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे। बी फार्मा कोर्स क्या होता है, इसमें एडमिशन के लिए योग्यता क्या होती है, एडमिशन प्रोसेस क्या होता है, कॉलेज का फी स्ट्रक्चर क्या होता है, और बी फार्मेसी के बाद आपका जॉब अपॉर्चुनिटी क्या होता है, सैलरी क्या होती है, ये सारे टॉपिक हम बात करने वाले हैं। तो आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाला है। तो अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि आप लोगों के लिए इसी तरह का अपडेट्स आपको देते रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानेंगे कि बी फार्मेसी क्या है, बी फार्मेसी होता क्या है, सो हम बी फार्मा भी बोलते हैं। बी फार्मा का मतलब होता है बैचलर ऑफ फार्मेसी, मतलब जो अंडर ग्रेजुएट जो 4 ईयर का जो कोर्स होता है जो बी फार्मा होता है। अगर आप बी फार्मा कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको ग्रेजुएशन लेवल का डिग्री आपको मिल जाती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और ये 4 ईयर का कोर्स होता है जो 8 सेमेस्टर में डिवाइडेड होता है, जो बी फार्मेसी होता है। अगर इसकी योग्यता की बात करें, अगर इसमें एडमिशन के लिए, तो आपको PCM या PCB में 50% होना जरूरी है, अनिवार्य होता है। वही SC ST कैंडिडेट के 45% भी है तो उनका एडमिशन हो सकता है, जो रिजर्व कैटेगरी से आता है उनके लिए ये एडमिशन हो जाती है। अब बात करते हैं कि जो बी फार्मेसी होता है उसके एडमिशन प्रोसेस कैसे होता है, मेरिट बेस होता है कि या आपको एंट्रेंस बेसिस होता है। तो इसमें बहुत ही दोनों बेसिस आपका एग्जाम होता है, हर यूनिवर्सिटी का अलग अलग रूल है। तो अगर आप बात करें कि अगर मेरिट बेस पे, तो बहुत सारा यूनिवर्सिटी है कि आपका मेरिट बेस पे एडमिशन कर लेती है। वही है कि हर स्टेट का अलग अलग, अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो प्रत्येक कॉलेज का अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम होता है, जो प्रत्येक स्टेट का अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम होता है। एंट्रेंस एग्जाम के बारे में बात करें तो जैसे आपका बिहार में अलग एंट्रेंस एग्जाम होता है, यूपी में अलग होता है, दिल्ली में अलग होता है, तो हर जगह की अलग अलग एग्जाम पैटर्न है और अलग अलग एग्जाम की प्रक्रियाएं हैं, जो फार्मेसी में स्टूडेंट के एडमिशन के लिए, बाकी स्टूडेंट के एडमिशन के लिए अलग अलग जो एग्जाम पैटर्न है, अलग अलग एग्जाम होती है हर स्टेट के। अगर बात करें इनका, अगर कॉलेज फी के बारे में बात करें, इनका कॉलेज फी क्या होता है, तो आप अगर गवर्नमेंट कॉलेज में हैं तो आपको बहुत ही मिनिमम फी रहता है। अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज में हैं तो आप बी फार्मा फर्स्ट ईयर के आपका फी होगा जो 50,000 रुपया होगा, जो 50,000 पर ईयर आपको पे करना पड़ेगा। आपको लगभग आपको 2 लाख में आपका बी फार्मा कोर्स कंप्लीट हो जाता है। वही प्राइवेट कॉलेज के बारे में बात करें तो इसका फी का कोई लिमिट नहीं है, आपको 1 लाख से लेकर आपको 1.5 लाख के आसपास आपको फी लगती है, जो प्रत्येक ईयर चार्ज की जाती है। जो फर्स्ट सेमेस्टर हो उसके अकॉर्डिंग नहीं चलता, ईयर बाई ईयर आपको फी पे करना पड़ता है। तो हर यूनिवर्सिटी और हर कॉलेज का अलग अलग बात होती है जो बी फार्मेसी का होता है। अगर एज क्राइटेरिया के बारे में बात करें कि इसमें एडमिशन के लिए आपका एज क्राइटेरिया कितना होना चाहिए, आपका एज क्या होनी चाहिए, तो आपको मिनिमम 17 ईयर आपको होनी चाहिए। 17 ईयर से अगर कम है कोई बच्चा तो उसमें एडमिशन नहीं होगा। बी फार्मेसी कंप्लीट के बाद अगर जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में अगर बात करें कि जॉब अपॉर्चुनिटी क्या होती है, तो उसके बारे में अगर बात करें तो आप खुद का अपना मेडिकल स्टोर ओपन कर सकते हैं। उसके बाद होता है कि आपको मेडिसिन बनाने का, मैन्युफैक्चरिंग करने का लाइसेंस मिल जाता है, वो लाइसेंस भी आपको मिल जाता है, जिससे क्या होता है कि आप मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। उसके बाद है कि आप AMR का जॉब कर सकते हैं, उसके बाद है कि आप रिसर्च एजेंसी में जाकर वर्क कर सकते हैं, उसके बाद है कि आप किसी भी मेडिसिन कंपनी में जहाँ मैन्युफैक्चरिंग होता है वहाँ पर जाकर आप जॉब कर सकते हैं, या हॉस्पिटल में फार्मासिस्ट के रूप में आप कार्य कर सकते हैं। ये और भी ज़्यादा जॉब किया जाता है, जो और भी जो सारा जॉब से रिलेटेड जो हम वीडियो अपलोड किए हैं यूट्यूब चैनल पे है हमारे, आपको हम डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, वहाँ से आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, जिसमें सारा जॉब से रिलेटेड हम वीडियो बनाए हैं जो फार्मेसी में कौन कौन सा जॉब किया जाता है। उसके बाद सैलरी के बारे में बात करें कि हमारा स्टार्टिंग सैलरी क्या होता है, इस पर हम वीडियो बना दिए हैं, स्टार्टिंग सैलरी क्या होती है, जो कौन सा जॉब में, अब हर जॉब का अलग अलग जो स्टार्टिंग सैलरी होता है। फिर भी आपको हमें अप्रॉक्स अगर मान के चले कि आपको बी फार्मेसी करने के बाद कितना सैलरी मिलने वाला है, तो आपको 17,000 से लेकर 25,000 रुपया आपका स्टार्टिंग सैलरी मिलने वाला है। 17,000 से लेकर 25,000 तक आपको स्टार्टिंग सैलरी मिलने वाला है। तो कैसा लगा आप लोगों को वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।